अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपका होस्ट MIB हाजिर है। तो गाइज, आज का प्लान ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जा रहा हूँ सहरी करने, एक नया आउटलेट कह लें या एक मिनी रेस्टोरेंट कह लें, दैट इज़ दी ग्रिल गाइज। तो बहुत ज़बरदस्त है। दे हैव दी अरेबिक प्लेटर एंड दे हैव दी रैप्स एज वेल ओवर देयर। सो काफ़ी ऑथेंटिक है और चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आई हैव सीन इन द यूट्यूब बाय द वे। सो आई वुड लाइक टू ऑल्सो गो एंड मेक द वीडियो ओवर देयर। तो चलते हैं और देखते हैं, उनके खाने को रिव्यू करते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वक्त मैं पहुंचा हुआ हूं ग्रिल गाइस पर और बड़ा यूनिक नेम है और प्लेटर्स हैं इनके पास, बर्गर्स हैं, रैप्स हैं, आप ये देख सकते हैं। और ये आप इस वक्त के बराबर में सोडा पंच है और स्वाद बेकरी भी है। और आप ये देखें, ये जो रास्ता है ये पीपल्स चौरंगी की तरफ जा रहा है और ये फाइव स्टार चौरंगी की तरफ। तो आए इनका ज़रा फूड का रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा क्या क्या चीज़ है। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, क्या हाल है, खैरियत से? तो शाहिद भाई, आपने सेटअप कब लगाया है? अभी हमने रिसेंटली ओपनिंग हुई हमारी। अच्छा, माशाल्लाह। 12 रमजान को आपने ओपनिंग की है, माशाल्लाह, रमजानों में किया आपने। तो कौन कौन से आपके पास चीज़ें हैं मेन्यू में? अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने अरबिक प्लेटर शुरू करें, रैप्स हैं और ईद के बाद इंशाल्लाह हमारे पास बर्गर भी होंगे और ग्रिल चिकन भी होगा। स्पेशलिटी क्या है आप लोगों की? स्पेशली हमारा अरबिक फूड है। अच्छा, जो और अरबिक रैप है। अच्छा, इसमें जो स्पाइसेस यूज कर रहे हैं आपके, कुछ सीक्रेट स्पाइसेस भी हैं या? बिल्कुल, ये लोकल कोई भी मैरिनेशन नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। बिल्कुल, ये आप जब आप इसमें खाएंगे आपको अलग पता चलेगा कि कोई जो लोकल लोकल टच आता है ना, गर्म मसाले लगे होते हैं और तेज स्पाइस होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल अलग फील होगा आपको। तो ये जो ये तो मैं फिर वो मैकिंग दिखा सकते हैं आप जो हो रही है, तो किचन का रिव्यू करते हैं गाइस इनके। ये हो जाए फिर हम लेके जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, जैसे की मेकिंग हो रही है। तो ये शायद भाई, ये क्या चीज़ है, ये हाल है खरीद? ये इसमें ये कौन सी वाली नमकीन है? ये कौन सी है? नमकीन है पहली। अच्छा अच्छा, बोनलेस है, उसके बाद पेरी पेरी चिकन है, शीश स्टॉक है। अच्छा, शीश स्टॉक है। वेरी, इसके अलावा दो इसमें एक कबाब जाएगा आपका। कौन सा कबाब है वो? ठीक है, एक अदाना है और एक खुबीदा है। अच्छा, कौन सा वाला अदाना है? ये अदाना है, ये वाला। अच्छा ठीक है भाई, ये खुबीदा, ये चिकन में, ये चिकन में। अच्छा, ये बीफ है? ये बीफ है, अदाना कबाब क्योंकि जो होता है, और ये खुबीदा ईरानी होता है। गाइस देखें इनका ये जो इंटीरियर बहुत अच्छा है और जो एम्बियंस है यहाँ का, और इनकी जो सिटिंग्स है वो आउटसाइड है, ये इनका ओपन किचन से जो मेन चीज़ होती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? तो गाइस ये इनका किचन है, आप ये देखें, ये ग्रिल वगैरह। तो शायद भाई ये सब ग्रिल वगैरह होता है? ईद के बाद हम लोग इंशाल्लाह ग्रिल चिकन शुरू करेंगे। अच्छा, क्योंकि अभी रिसेंटली ओपनिंग करी है तो ओपन को तो शुरू नहीं करा। अच्छा, ये हमारे ग्रिल बर्गर हैं और ग्रिल चिकन है। अच्छा, वेरी गुड। और बर्गर आपको बता दिया, रैप्स हैं, रैप्स हमारा ग्रिल होता है। ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये जो तो जना आप? अच्छा अच्छा अच्छा, यू आर डूइंग दैट, मिस ना हो जाए जब बंदा बना रहा होता है। अच्छा, ये रैप का है, ये तिजन्ना रैप एंड देन अरबिक रैप, दे हैव एंड मोरोकन रैप, पर्शियन ट्विस्ट, ओरिजिनल मैक्सिकन स्पाइसी। तो गाइज सी, दिस इज द ऑल तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा बेहतरीन किस्म का आप देख सकते हैं। और ये और भी तैयार हो रही है चीज़ें, तो लेट्स सी दी प्लेटर हाउ दे विल प्रिपेयर बाय द वे। तो गाइज ये प्लेटर बनना स्टार्ट हो गया है। वाह जबरदस्त, ये कौन से सेला चावल है या? जी हाँ, सेला है। अच्छा, सेला चावल है, बासमती नहीं है? बासमती बैठ जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। तो गाइज ये देखें, ये प्लेटर तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। तो गाइज ये देखें, ये कौन सा कबाब है भाई? ये दोनों अगर खुबीदा। कौन सा? खुबीदा। खुबीदा, दिस इज द चिकन खुबीदा कबाब बाय द वे, एंड दिस इज द सेकंड वन प्लेटर इज प्रिपेयरिंग।
और अब इसके बाद जो आएगा वो भी आपको दिखाते हैं। ओह जबरदस्त, ये चिकन थाई नमकीन, थाई नमकीन, दिस इज समथिंग डिफरेंट बाय द वे। एक्चुअली ये होता तो सब चिकन ही है लेकिन द फ्लेवर इज डिफरेंट बाय। दिस इज द शी स्टॉक ऑफ चिकन। वाओ क्या बात है, जबरदस्त, व्हाट अ जूसी। गाइस दिस इज द पेरी पेरी चिकन, द टेस्ट मस्ट बी डिफरेंट, आई एम श्योर अबाउट इट बाय द वे। ये देखें ये भी डिफरेंट है, वाह। सो दिस इज डन और व्हाट, देयर इज समथिंग मोर। अब इसके ऊपर जो है वेजिटेबल्स भी आएंगी, लुक एट द चिलीज, वाह वाह वाह। ये देखें वाह, दिस इज द अनियन एंड टोमेटो विद द शिमला मिर्च कैप्सिकम, वाह जबरदस्त। एंड दिस इज, ये क्या चीज़ है, कौन सा सॉस है ये, टॉम सॉस, टॉम सॉस। सो दिस इज स्पाइसी लेबनीज सॉस। तो गाइस दिस इज द लेबनीज सॉस, आपने देखा माशाल्लाह से। तो गाइज ये हो गया तैयार माशाल्लाह, और अब इसको खा के रिव्यू देते हैं आपको। लेटर आ गया है, अब इसको चेक करते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया ये पेरी पेरी है और ये डिफरेंट, आई फॉरगेट द नेम अबाउट दिस, पर खा के चेक करते हैं पहले। तो लेट्स ट्राई दिस फर्स्ट, दिस इज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम विदाउट दिस सॉस। इट्स वेरी ऑथेंटिक एंड जूसी बाय द वे। Let's try their rice as well without the meat. Rice बहुत अच्छे हैं इनके, आप अगर ये मीट नहीं भी खाते हैं तो इसके बगैर भी है। और आप ये देखें कि वेजिटेबल्स भी हैं इसके साथ, कैप्सिकम भी है एंड दे हैव दी अनियन एज वेल। तो लेट्स ट्राई दिस कबाब एज वेल विद द कबाब, कबाब के साथ अदाना कबाब है ये विद द राइस। राइट, एक होता है सुपर, एक सुपर से भी ऊपर दिस कबाब इज वेरी वेरी डिफरेंट। टू बी ऑनेस्ट आई लव दिस प्लेटर एंड द प्लेटर कॉस्ट, आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट this is I think 1300 rupees platter. And let's try this chicken as well. Right, की सबसे अच्छी मजे की बात यह है कि ये सारे चिकन है लेकिन हर एक का different texture है और डिफरेंट जो है इसका टेस्ट है, तो दैट बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बाय द वे। तो ये बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए चीज़ें, आप सब कुछ तो बना लेते हैं लेकिन आप जो टेस्ट होता है, और इनकी जो सिटिंग है वो बाहर की तरफ है, उनका एम्बियंस डिफरेंट है, लेकिन ये कि नो डाउट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और आई रियली लव दिस, लेट्स ट्राई दिस पेरी पेरी एज वेल विद द राइस। और लेट्स ट्राई दिस चिली, ओए होए हो, जो ग्रिल की भी जो वेजिटेबल्स होती है ना उनका जवाब ही अलग होता है। राइट, ये तो इनका प्लेटर का रिव्यू था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। तो अब खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं, स्टे विद अस। अब माशाल्लाह से इनकी तरफ से रैप भी आया है, हमने तो सिर्फ ऑर्डर किया था प्लेटर, जो कि आप देख रहे हैं प्लेटर का क्या हाल किया हमने, लेकिन ये है कि माशाल्लाह शाहिद भाई की तरफ से और ग्रिल गाइस की तरफ से ये रैप आया है। तो लेट्स ट्राई दिस रैप, लेकिन ये बड़ा प्यारा और बहुत जूसी भी लग रहा है। तो लेट्स सी एंड हाउ इज़ द टेस्ट बाय द वे, सो लेट मी ट्राई दिस।
गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह से, ओए होए क्या ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाह गाइस जवाब नहीं, जो टेस्ट है ना बिल्कुल ऑथेंटिक, जो रैप होता है मैंने बहुत खाया, लेकिन कराची के अंदर दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाय द वे। सी लेट मी चेक दी वन अनदर बाइट। फुल जूसी क्रीमी और वेजिटेबल और जो चिकन है बहुत आउटस्टैंडिंग है, देख सकते हैं गाइस इसमें जो फीलिंग बहुत अच्छी की हुई है। और आई लव दिस वन बाय द वे, प्लेटर भी बहुत अच्छा है इनका, लेकिन इसकी जो बात है ना दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, सो यू शुड कम एंड हैव इट दिस। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और प्लेटर भी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।